डोसा खाना सभी को पसंद होता है, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सभी को डोसा बहुत ही पसंद होता है और ये हर जगह मिल जाता है हमें खाने के लिए। इसके अंदर जो आलू मसाला रहता है वो बहुत ही टेस्टी होता आलू है। मसाला बनाना बहुत ही आसान होता है, तो आज हम आलू मसाला ही बनाकर आपको दिखाएंगे। ये हर डोसे की जान होती है, अगर आलू मसाला अच्छा सा बना हो तो आपको मसाला डोसा खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस आलू मसाले से आप तरह तरह की डिश बना सकते हैं। तो जो आज हम आलू मसाला आपको बना के दिखाएंगे वो ईजी है बनाना, बगैर टेस्ट में बहुत ही बढ़कर होता है। तो चलिए आज बनाते हैं डोसे का आलू मसाला। तो उसके लिए हमने ढेर सारा आलू उबाल कर छील लिया था और उसे हमने गिलास से इस तरह से मैश कर लिया है। तो आपको भी आलू को इसी तरह से मैश करना है, गिलास से बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको मैश नहीं करना, थोड़ा का आलू के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं जो वो खाने में अच्छे लगते हैं। तो कढ़ाई हमने चढ़ा दी थी, उसमें 4 से 5 चम्मच हमने सरसों का तेल डाला था और तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें 1 चम्मच सरसों डालेंगे, आधा चम्मच उड़द दाल डालेंगे और आधा चम्मच चना दाल डालेंगे। 4 से 5 हम हरी मिर्च को काट कर डालेंगे और आधा हम इंच अदरक को इस तरह घिस कर डालेंगे। आधा चम्मच हींग डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से चटकने देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। उसके बाद इसमें डाल देते हैं करी के पत्ते। करी के पत्ते और इन तड़कों से जो मसाला बनकर तैयार होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें 2 से 3 हम खड़ी लाल मिर्च तोड़ कर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से लाल होने देंगे। जब ये तड़के अच्छी तरह से पक जाए और लाल हो जाए तो इस तरह से हम इसमें 2 प्याज को स्लाइस में कट करके डाल देते हैं। प्याज को आपको बहुत ही लाल नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक ही इसे भूनना है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं फ्रोजन मटर, क्योंकि अभी मटर की सीजन नहीं है मगर फ्रोजन मटर बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो आप इस मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच धनिया का पाउडर। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच सांभर मसाला। तो सांभर मसाला बहुत ही ज़रूरी है इसमें डालना, इससे क्या होता है टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप पानी। अब पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आलू को जो हमने इसे हमें मैश करके रखा हुआ था। तो आलू मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको भूनना है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपको लगातार चलाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से इसे भून लीजिएगा। जितना अच्छी तरह से आप आलू मसाले को भूजेंगे उतना ही टेस्टी आपको डोसा खाने में लगेगा। तो देखिए ये बनाना बहुत ही आसान है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम भूज कर अब इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। पहले हमने नमक का इस्तेमाल किया है, अब जितनी ज़रूरत है उतना ही नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार तीखा और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में इसमें डालते हैं धनिया के हरी हरी पत्तियाँ और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं और मिक्स करने के बाद आप चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये आलू मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है और एक बार आप जरूर इस तरीके से बना के खाइएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप डोसा बनाना चाहते हैं या कोई भी बटाटा बड़ा बनाना चाहते हैं या कोई भी आलू की डिश बनाना चाहते हैं, आप इस मसाले को तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो इसे होने देते हैं ठंडा। हमने डोसा भी बनाया है मगर हमने आपको बैटर बनाते हुए नहीं दिखाया है। बैटर बनाना हमारे चैनल पर उस वीडियो डली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। आलू मसाला के और भी तरीके हमने बनाकर बताए हैं, वो भी हमने चैनल पर डाला है, उसे भी आप देख सकते हो। तो गैस पर हमने एक तवा चढ़ा दिया था और तवा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इस पर डाल देते हैं डोसा का बैटर। दो यहाँ पर कलछुल डोसा का बैटर डाला और अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। और अब इसमें डाल देते लग जब डोसा हल्का सा लाल होने लगे तब इस पे ऊपर हम लगा देंगे ऑयल और इसके बाद अच्छे से आलू मसाला को हम फैला देंगे। हमारा डोसा बैटर इस तरह से बना था कि अपने आप छोड़ दे रहा था। तो अब ऊपर से डाल देते हैं प्याज और पनीर हमें इस तरह से घिस कर डाल देते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं धनिया के पत्ते और इसे पकने देते हैं। तो ये डोसा आलू मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए आप, हमारे एक आलू का डोसा बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, उससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।